पिछले दिनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एसटी एससी वर्ग को लेकर दिए गए उनके बयान को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई देवास ने एक विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, ये गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी भी आज एसटी एससी वर्ग के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। उसी अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में राहुल गांधी जी एक बार फिर क्यों इस प्रकार की घृणा का बताने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो अपने अंदर पड़ रहे षड्यंत्र को उजागर करते हैं, उनकी सोच को उजागर करते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम आरक्षण को समाप्त करें। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वास्तविकता क्या है, क्या राहुल गांधी जी अपने पिताजी के उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जिसमें राजीव गांधी जी कहते थे कि हम आरक्षण के माध्यम से बुद्धों को बढ़ावा नहीं दे सकते। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो राजीव गांधी जी के नेतृत्व में बुद्धू थे। एक तरफ तो संविधान की कृतियों को अपने माथे पर लगा रखकर संविधान के सम्मान की बात राहुल गांधी करते हैं, लेकिन संविधान को बढ़ाने का कोई भी काम हम देखें पूरे कालखंड में हम देखें तो एक बार भी कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जिसके कारण इस देश के संविधान को सम्मान देने का काम, बल्कि एक बार नहीं अनेकों बार तीन नेताओं के साथ जो मुलाकात हुई थी वो भी चर्चाओं में रही। साथ ही साथ उनका कहना था कि भारत में सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए यहाँ पर रोजगार की दिक्कत है। देखिए, राहुल गांधी जी चाहे देश की बात करें विदेश की बात करें, हमेशा देश विरोधी लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचने वाले, इस देश को तोड़ने का सपना देखने वाले लोगों को हमेशा उन्होंने गले लगाया है। अभी भी उनकी हाल ही की हम अगर अमेरिका यात्रा की बात करें तो तीन ऐसे बड़े राष्ट्र विरोधी जो संगठन हैं उनके लोगों के साथ में उन्होंने मिले, उन्होंने बैठक की। चीन में भी जब जाते हैं भारत विरोधी बात करते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो भारत विरोधी बात करते हैं, और भारत में जब रहते हैं तब भी इस देश के टुकड़े करने वालों को वो गले लगाते हैं। इस देश के संविधान को गाली बकने वाले लोगों को लेकर वो न्याय यात्रा निकालने की बात करते हैं। तो ये कांग्रेस का और माननीय राहुल गांधी जी का दोहरा चरित्र है जो देश की जनता उसको बहुत अच्छे समझ। नहीं नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के लिए जो है मोदी सरकार ने हमें मजबूर किया। देखिए, निश्चित रूप से आप जानते हैं और पूरा देश जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विश्वास और सबके विकास वाली सरकार काम कर रही है। जब सबको साथ में लेकर सरकार काम कर रही है, पूरे विकास का काम और सबके विश्वास के साथ में काम कर रही है, उस समय अगर न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जाने का काम राहुल गांधी करते हैं तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि कौन से न्याय की वो बात कर रहे हैं। इस देश को गाली बकने वालों को कंधे में हाथ डालना है इस देश के लिए न्याय था क्या? इस देश में सनातन को गाली बकने वालों को कंधा मिलाकर चलना इस देश का न्याय था क्या? इस देश का अपमान करने वाले और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के साथ में वो न्याय यात्रा निकालते हैं क्या? वो इस देश के सम्मान का काम था, इस देश को न्याय दिलाने वाला काम था? उनकी नज़र में न्याय क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने तो अमेरिका में जो मोदी सरकार की आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर जो विदेशी नीति उसका समर्थन किया, उसकी तारीफ की। ये मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का ही कारण है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। मैं नहीं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी के बयान का कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। देश की जनता आज भी पूरी मजबूती के साथ, ताकत के साथ में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ी है, देश की सरकार के साथ खड़ी है। ये इस बात के लिए स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र के उत्थान के लिए और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है।